हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 11 अकाउंटेंसी एंड बेटर वी हैव स्टार्टेड अवर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इन अवर लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग एज वेल एज रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। ऑल वी नो वॉट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इट इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। तो बेटा सेम इसी डेफिनेशन से हमने क्या लिया था, उसके प्रोसेस और फीचर्स लिए थे कि अकाउंटेंसी के जो फीचर्स थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन था, उसको रिकॉर्ड करना था, देन उसको क्लासीफाई करना था, देन समराइज करना था, देन एनालाइज करना था, कम्युनिकेट करना था, इंटरप्रिटेट करना था। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम इस चैप्टर्स में कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, हम क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, क्यों हम जो बिजनेसमैन होते हैं इतना सारा रिकॉर्ड क्यों वो मेंटेन करते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग आर ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। बेटा ह्यूमन बींग सारी इन्फॉर्मेशन को तो लर्न कर नहीं सकता है, ह्यूमन माइंड। बिजनेस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं और आजकल के टाइम पर सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना होगा टैक्स के पर्पज से, लीगल पर्पज से, प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए। तो क्या होता है, अकाउंट हमें सिखाता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, हाउ टू कीप रिकॉर्ड असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टू असर्टेन प्रॉफिट एंड बेटा अगर हमें अपने बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी तो बेटा उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब तक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं होंगे, जब तक हमने सारे इनकम और एक्सपेंडिचर्स का रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया होगा, वी आर नॉट एबल टू नो द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। तो अकाउंटिंग है ये हमें हेल्प करता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड में एंड टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस। असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस, हाउ मच देयर इज एसेट्स, हाउ मच देयर इज लाइबिलिटीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लैंड, बिल्डिंग, इन सब के बारे में बिजनेस की क्या प्रोग्रेस है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, ये हमें कौन बताता है, अकाउंटिंग। When we will maintain systematic record, then only we will able to know the financial position of a business. Management को assist करता है accountant सब सारी informations को एक जगह record करके, उसको classify करके, summary करके जब communicate करता है तो manager उसके according decision लेता है कि business में कितना profit हो रहा है, कितना loss है, कितना investment की ज़रूरत है, business को हमें और branches बढ़ानी है, क्या करना है, अगर loss हो रहा है तो कौन कौन सी कमियाँ हैं, different decision. कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, तो ये क्या करता है, डिफरेंट यूजर्स को जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो एक ह्यूमन माइंड सारे ट्रांजेक्शन को याद नहीं रख सकता, भूल जाएगा। ठीक है, और ना तो ट्रू प्रॉफिट लॉस पता चलेगा, ना ही बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। तो इस वजह से हमें प्रॉपर रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। दीज आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, क्लियर। मेंटेनिंग द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशंस एंड देन मैनेजमेंट को असिस्ट करना, कम्युनिकेट करना, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट यूजर्स को, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगेन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, क्या एडवांटेज है। तो बेटा सेम वही फीचर्स से, हमारे डेफिनेशन से हमारे फीचर्स निकल रहे हैं, फीचर्स से हमारे ऑब्जेक्टिव्स निकल रहे हैं और ऑब्जेक्टिव से ही हमारे एडवांटेज ही निकलेंगे। तो देखो कौन कौन से एडवांटेज हैं। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, व्हेन वी विल मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड देन ओनली वी कैन नो एबल टू दी फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस अबाउट एसेट्स, लाइबिलिटीज, लैंड, बिल्डिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सेट्रा। प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को ये गाइड करता है कि आगे की मैनेजमेंट के डिसीजन किस तरीके से होंगे। फैसिलिटेट कंपरेटिव स्टडी, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या मैनेजमेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, कंपरेटिव स्टडी कर सकते हैं अबाउट द इंफॉर्मेशन, मीन्स अपनी ही कंपनी की बैलेंस शीट
का जो स्टडी है वो किसी और कंपनी की बैलेंस शीट से कर सकते हैं या अपनी ही कंपनी की परफॉर्मेंस को पिछले ईयर्स की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या रिलेशन है डिफरेंट एंगल से, रिप्लेस मेमोरी क्लियर, हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, हेल्पफुल इन राइजिंग लोन्स, अगर हमें क्या एडवांटेज होता है ये लोन को रेज करने में हेल्प करते हैं हम इजीली, अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, हमारे एसेट्स का प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, हमारा जो प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो हमें आसानी से लोन मिल जाएगा। टैक्स अथॉरिटीज से हम इजीली सेटलमेंट कर सकते हैं, अगर कोर्ट में कोई भी हमारा डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पर जो हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो काम आता है, एविडेंस के रूप में काम करता है। हेल्प इन द सेल ऑफ बिजनेस, अगर आप सीधी सी बात है अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, आपको स्टॉक के बारे में प्रॉपर्टी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है तो ये बिजनेस को हेल्प करेगा, सेल ऑफ अ बिजनेस में बिजनेस की गुडविल अच्छी होगी और वो ईजिली सेल हो जाएगा। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, सारी रिपोर्ट हमारे सामने होगी तो हम ईजिली डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कहाँ पर स्टेप उठाने की ज़रूरत है, कौन सी हमारी वीकनेस है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है और उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट काम करता है। तो दीज आर द फीचर्स, बेसिक फीचर्स ऑफ एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। बेटा जो आपने अगर मीनिंग अच्छे से पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव अच्छे से लर्न कर लिए, उसके फीचर्स अच्छे से लर्न कर लिए, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी एडवांटेज को बनाना, ईजली यू कैन फ्रेम। कुछ डिसएडवांटेज हर चीज़ के होते हैं तो सीधी सी बात है अकाउंट्स के, अकाउंटिंग के भी कुछ डिसएडवांटेज होंगे, एक्चुअल में ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन है, अगर आप किसी भी चीज़ का मिसयूज़ करोगे या उसका प्रॉपर यूज़ करोगे तो आपके लिए डिसएडवांटेज उसके आएंगे, तो ये आपके डिसएडवांटेज अकाउंट के ना होकर उसके यूजर्स के हो सकते हैं। बट स्टिल कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलायबल वैल्यू, इग्नोर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, इग्नोर द क्वालिटी इन्फॉर्मेशन अफेक्ट बाई विंडो ड्रेसिंग। बेटा देखो सबसे पहले हम पॉइंट्स आपको ईजिली लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये अकाउंट्स क्या करता है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ये समरी के रूप में इन्फॉर्मेशन देता है, लैंड इतनी है, बिल्डिंग इतनी है, कैपिटल ये है, लेकिन हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा अगर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में हम मांगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लैंड खरीदी थी 20 लाख रुपए की, आज लैंड की वैल्यू है 18 लाख, तो हमारे जो अकाउंट है क्योंकि हमारा जो रिकॉर्ड है वो हमें पुरानी इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है 20 लाख की, तो हमारे पास जो मार्केट में उस टाइम पर क्या रेट चल रहा है, क्या वैल्यू चल रही है, मार्केट वैल्यू है, तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फुल इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंट नहीं देता, जो हमने रिकॉर्ड कर लिया उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी। अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलायबल वैल्यू, सेम वही पॉइंट आ गया कि आज हमने स्टॉक खरीदा है, हमने उस वैल्यू को हमने रिकॉर्ड कर लिया, उसकी रिलायबल वैल्यू क्या होगी वो हमें अकाउंट नहीं बनाएगा, मार्केट फ्लक्चुएट होती है, उसकी वैल्यू में भी चेंजेस आएंगे, इट में भी मोर इट में भी लेस। इग्नोर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, सेम मार्केट में क्या होता है फ्लक्चुएशंस होता है, मार्केट में किसी भी डिमांड एंड सप्लाई होती है, डिमांड ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है उसके प्राइस क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, डिमांड कम होगी तो प्राइस उसके कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होता है ये जो प्राइस लेवल चेंजेस होते हैं उसके भी इफेक्ट को ये इग्नोर करता है। इग्नोर द क्वालिटी इन्फॉर्मेशंस, हो सकता है अकाउंट्स क्या करता है मैनेजर सैलरी पेड टू मैनेजर, सैलरी पेड टू एम्प्लॉई, वेजेस, रिपेयर, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, लेकिन कोई बंदा ऑनेस्ट है, मैनेजर का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय बहुत हार्ड वर्किंग है, इस तरह के जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको अकाउंट्स इग्नोर करता है। अफेक्टिंग बाई विंडो ड्रेसिंग, अकाउंट्स में वही इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स देता है जो रिकॉर्ड की गई है, अगर रिकॉर्डिंग में कोई मैनुपलेशन हो चुका है, रिकॉर्डिंग में कोई अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को हाइड किया गया है या मैनू या अमाउंट्स को वो किया गया है मैनुपलेट किया गया है तो अकाउंट्स क्या करेगा उसको हमें नहीं बताएगा। देन अफेक्ट बाई विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कुछ आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, अकाउंटेंट कर सकते हैं, एम्प्लॉयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं, तो दीज आर सम डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर, फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, रिलायबल वैल्यू नहीं देगा, प्राइस लेवल के इफेक्ट को इग्नोर करता है, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर करेगा, एंड अफेक्टेड बाई विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा अकाउंट्स की ब्रांचेस क्या क्या होती हैं, हर एक चीज़ की ब्रांचेस होती हैं, आपने साइंस लिया है उसमें ब्रांचेस होंगी,
सब्जेक्ट भी होंगे, उसके अकॉर्डिंग ब्रांचेस होंगी और ब्रांचेस के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट होंगे। अकाउंट्स के भी कुछ ब्रांचेस हैं। 11th 12th लेवल पर हम कॉमन पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही हम सीनियर क्लासेस की तरफ जाएंगे तो अकाउंट्स की जो ब्रांचेस होंगी वो आपकी डिवाइड हो जाएंगी सम उसके यूज़ के अकॉर्डिंग। बिकॉज हर एक फील्ड में जब स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ रही है तो हमारा बिजनेस भी बहुत वाइड हो गया है, बिजनेस में भी हर एक डिपार्टमेंट के लिए स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होगी। तो अकाउंट्स के भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, तो हर एक ब्रांच की स्पेसिफिक नॉलेज देने के लिए उसके ब्रांचेस को बना दिया गया है। स्पेसिफिक ब्रांचेस हैं बेटा, ये कौन कौन सी हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा एक और ब्रांचेस आती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग टू डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स की वो ब्रांच जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजिशंस के बारे में आपको बताए, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में आपको एक्सप्लेन करें, उसके लिए जब हम स्पेसिफिक नॉलेज लेंगे तो वो हमारा किस में आएगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है जहाँ पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का मेन रोल होता है कि उसकी कॉस्ट को, उनको स्पेसिफिक नॉलेज की उन बंदों की ज़रूरत होती है जो इस तरीके से मैनेजमेंट कर सके कॉस्ट का, ताकि कम से कम कॉस्ट होगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। देन कॉस्ट अकाउंटिंग डील विद द अकाउंटिंग विच कंसर्न विद द कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड ऑफ सर्विस रेंडर्ड। मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है कि क्या करता है ये, डील करता है कि किस तरीके से पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिड्यूस की जाए जिससे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो सके। तो ये स्पेसिफिक नॉलेज इस फील्ड में वो प्रोवाइड करता है। फिर हमारा, हम बात करते हैं हमारे थर्ड जो है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं फिर भी आप उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो तो आपका बिजनेस लॉस में जाएगा, आप उसकी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है डील विद द अकाउंटिंग विच इज़ कंसर्न विद द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, कि हाउ दे हैव टू टेक डिसीजन, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो जब आप ये सारी चीज़ें सीखोगे वो किसका पार्ट होगा? मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग, हाउ दे हैव टू यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज इन बेस्ट मैनर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की अगर हमें बात कर रही थी आपकी, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अकाउंटिंग है वो क्या डील करता है कि सोसाइटी, वी आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, बिजनेसमैन भी ह्यूमन बींग है, बिजनेसमैन जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है वो भी उसने कहाँ से लिया है? सोसाइटी से लिया है, ठीक है। तो बिजनेस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको रिवर्स में सोसाइटी को कुछ देना है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, एनवायरनमेंट की टेक केयर करनी है, बिजनेस ग्रोथ करनी है, लेकिन ग्रोथ किस तरीके से करनी है? सोसाइटी की हेल्प करनी है, डिजास्टर के टाइम पर सोसाइटी की हेल्प करनी है, सोशल कंट्रीब्यूशन करना है, और बताया था टेक्निकल डेवलपमेंट करना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है, और एम्प्लॉयमेंट तो हो गई कि जिस एरिया में आप जहाँ के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो एटलीस्ट वहाँ पर कंपनी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट सोशल वर्क कर सकते हैं, एजुकेशनल वर्क कर सकते हैं, तो ये आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आ जाएगा। तो ये आपके थे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और एक और अकाउंटिंग मैंने आपको बताई बेटा वो कौन सी है, वो है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।